जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और अब हम लाडो का गिफ्ट लेने हैं। एक तो आपको बताइए, अक्षय तृतीया भी है और लाडो के भैया 1000 रुपये हमारे पास उधार है, तो हम ना उसके लिए एक और मंगलसूत्र बनवा रहे हैं जो उसके यहाँ तक गर्दन तक रहेगा। और उसने ना ये चीज़ हमें बहुत पहले बोली थी लेकिन हम लोग नहीं करवा पाए थे, और वो हम अभी करवा रहे हैं। तो मैं आपको ना धीरे से बताती हूँ कि बनने के बाद मैं दिखाती हूँ। और ये है हमारी लाडो का नया गिफ्ट, इसको कंठी मंगलसूत्र भी कहते हैं और ये कंठी माला भी आप कह सकते हैं। तो ये हमने उनके लिए बनवाया है और ये जो है मैं उनको अक्षय तृतीया पे मतलब दूंगी अपनी लाडली बहुरानी को। लेकिन हुआ क्या, मैं ना रात को ही वीडियो बनाने वाली थी और पोस्ट करने वाली थी मतलब शॉप के मतलब सुनार के पास से आने के बाद, लेकिन लाडो ने क्या किया कि मैंने उसको पहना के दिखाया तो पता है वो पहन के ही बैठ गई और उसने उतारा ही नहीं, और रात भर उसने पहन के रखा। अभी भी मैंने उससे कहा कि बाबू अब नहा लो, अभी इसे अक्षय तृतीया के दिन पहनना, क्योंकि हमको कोई तो गिफ्ट देना था बच्चों को, लेकिन अब तो हमारे लिए सारी शक्तियाँ सब कुछ हमारी लाडो है, तो अब हम हमारी लाडो को ही सब कुछ अर्पित कर देते हैं और उससे हमारे लाला वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो आपको ये कैसी लगी ये कंठी माला हमारी लाडो का, और ज़रूर बताना। मतलब मैं ना उसको देखना चाह रही थी लेकिन हम कुछ और ही सोच रहे थे, इस तरह की 2-3 पत्तियां डाल के मैं बनवाना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो बोले कि अभी एकदम नहीं बन सकती 2 दिन में, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि छोटी उसकी ये जो लटक क्या बोलते हैं इसको पेंडल, ये पेंडल फिर छोटे छोटे बनवाने में दी अभी नहीं बन पाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी रिसेंट में आप ये बना दो, फिर कभी कोई अच्छी फेस्टिवल आने पर मैं लाडो के लिए अलग से और अच्छा बनवाऊंगी। तो अब हमारी लाडो के पास 2-2 मंगलसूत्र पहनेंगी, वो बहुत सुंदर लगेगी। और मैं ना आपको मतलब पहनाने के बाद जो है फिर वो अक्षय तृतीया पर ही इनके दर्शन मिलेंगे आपको, जब वो पूरा पहनेगी उनकी सारी ज्वेलरी उनको पहनाएंगे हम। और मेरे पास ना शब्द नहीं होते जब हम लाडो को पहनाते हैं ना, तो सच बता रही हूँ इतनी खुशी होती है ना जितना कि मैंने अपने पूरे जीवन में न जाने क्या क्या मतलब श्रृंगार किया है, खुद के लिए भी किया है, औरों को भी देखा है, लेकिन मुझे जो श्रृंगार लाडो को उनको कराने में और उनको देखने में उनके ऊपर धारण कराने में जो आनंद मिलता है, वो आनंद तो मैं बता नहीं सकती, मुझे कभी नहीं मिला। इसलिए इच्छा होती है कि उनको इतना इतना सारी चीज़ें करें, लेकिन हाँ जैसे जैसे प्रभु की इच्छा है वैसे वैसे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी सुबह सुबह मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, मैं बता देती हूँ। फिर वो ना अगर ये चल मतलब लाडो ने अगर मैं नहीं उतारती ना तो वो अभी नहीं उतारती, उसको अच्छा लगता है कोई भी नई चीज़ आती है ना उसको पहनना। तो मैंने कहा लेकिन बाबू ये उस दिन ही पहनेंगे, क्योंकि उस दिन धारण कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुभ क्या मैं कहूँ, देखिए शुभ तो सारी चीज़ें हैं, आप एक फूल भी देंगे तो भी प्रभु के लिए शुभ है, क्योंकि प्रभु को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती वास्तव में देखा जाए तो। लेकिन अब मैं क्या करूँ, आपके भाव जब बहुत अधिक हो तो ये सब चीज़ें भी बहुत कम हो जाती हैं, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाती अपनी लाडो के लिए, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। लेकिन हाँ मैं फिर भी थोड़ा खुश हो जाती हूँ कि ठीक है प्रभु मैं इतना ही कर पा रही हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ और सभी बहुत खुश हैं इस बात से। और बाकी मैं उनका उनके लिए हमने ना माथे का एक और मतलब चीज़ बनवाई है, बट वो मोतियों में हमने बनवाई है, वो भी हम उस दिन उनको धारण करवाएंगे, साथ में उसमें एक ये माथे का टीका भी जो है गोल्ड का लगवाना है, वो रह गया है बाकी, वो लगवाने के बाद ना आपको उसी दिन वो दर्शन मिलेंगे अक्षय तृतीया को। तो बताइएगा हमारी लाडो तब कैसी लगेगी। मैं तो मतलब बहुत जल्दी जब भी कोई त्यौहार आता है ना तो उस दिन जो है बहुत इंतज़ार होता है उसको पहनाने का, लेकिन उस दिन तो लाडो अलग ही दिखने वाली है, आप सबको पता ही है क्यों। तो अब मैं ये वीडियो बस समाप्त करती हूँ, बहुत लंबा हो रहा है। राधे राधे, श्री हरदास।